ऑफ वडोदरा। जेईई मेन्स ना बीजा सेशन नो रिजल्ट जाहिर करवामां आवता वडोदरा मां रहता कार्तिक वसंते 99.99% रैंक साथे वडोदरा मां टॉप कर्युं छे। वडोदरा मां रहता कार्तिक वसंते जेईई मेन्स ना बीजा सेशन नी परीक्षा मां 99.99% रैंक मेळव्या छे। कार्तिके जणाव्युं हतुं के धोरण 7 थी ज तैयारी शुरू करी दीधी हती। जेईई मेन्सना जान्युआरीमां आपेला एटेम्प्टमां एम तेमना ओवरओल 99.99% आव्या छे। तेमने शरूआतथी कोचिंग लेवानुं शुरू करी दीधुं हतुं। टीचर, पेरेन्ट्स, मित्रो अने सीनियर बधानो खूब ज सपोर्ट रह्यो हतो, जेना कारणे आटलुं सारुं रिजल्ट आव्युं छे। समय समये टेस्ट पण आप्या, गाइडन्स अने मेन्टरिंगमां पण खूब सपोर्ट मळ्यो। पेरेन्ट्स साथे वात करता हता अने थोड़ी वार ते गार्डनमां पण जता हता। व्हाट्सएप सिवायना सोशियल मीडियाना उपयोग ते करता न हता। તેમનો પહેલો ગોલ એ હતો કે આગામી 3 મહિનામાં જે ડબલઈ એડવાન્સ થશે તેમાં મારું સારું પરફોર્મન્સ આપવું છે। યુવાનને શું સંદેશો આપવાનું કહેતા પરીક્ષામાં આપવામાં ડેડિકેશનનું હોવું સૌથી જરૂરી છે। તમારે શા માટે પરીક્ષા આપવાની છે તે ક્લિયર હોવું જોઈએ, તો તમારો ગોલ પણ સેટ થઈ જાય અને સફળતા જરૂર મળશેનું જણાવ્યું હતું। मेरा नाम कार्तिक वसंत है। आज जेईई मेन्स का परसेंटाइल आए हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरी 99.99% और AIR 71 आया है। क्या कहेंगे नए स्टूडेंट के लिए? नए स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा जो मैंने अपने सीनियर से सीखा था कि कंसिस्टेंट रहना है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट जो जैसे टीचर्स गाइड करते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो अपना कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहिए और सक्सेस जरूर मिलेगी। IIT आश्रम ने मेरे को हर पॉइंट पे हेल्प किया, पढ़ाने से लेके डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट रेगुलर, और टीचर्स भी गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, तो उन्होंने हेल्प किया। प्लान है फ्यूचर में और कितना टाइम तक करते थे? फ्यूचर में तो प्लान अभी ये है कि 1 मंथ में जेईई एडवांस होगा, उससे IIT में जाते हैं, तो उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। ओल्ड IITs में अच्छी पर डे ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं टाइम नहीं रखता हूँ, बट जो गोल बनाया वो ट्राई करता हूँ कि पूरा हो जाए। मैं कहूँगी कि जो मेहनत की है मैंने 2 साल से, उसका नतीजा फाइनली मेरे को दिखा है। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने जितना भी टाइम इस चीज़ को दिया था और जितनी मेहनत करके बहुत सारी टेस्ट्स लिखी थी, उससे मेरे मार्क्स काफ़ी बढ़े हैं एंड उसकी वजह से मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अच्छा, किस तरह की आप प्रिपरेशन करते हैं? अगर किसी को करना है आने वाले बच्चे को, तो उनको क्या कहेंगे, किस तरह की आपका प्रिपरेशन था, घर का एटमॉस्फेयर क्या था? हाँ, तो मैं रेगुलर स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं सुबह स्कूल जाती थी एंड फिर शाम को 3:30 से 8 में ट्यूशन आती थी। पूरा दिन पढ़ती थी एंड होमवर्क करती थी, सारा बहुत सारा मटीरियल सॉल्व करना ज़रूरी है। घर पर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंड वो मेरे साथ रात को लेट जागते थे ताकि मैं ना सो जाऊँ एंड उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया है। हमारे देश के बड़ा प्रधान है, उनके बारे में क्या कहेंगी जब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है? मैं कहूँगी कि बड़ा प्रधान के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है एंड उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है एंड अच्छे। आज जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आया, जेईई मेन 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है।
जिसमें आईआईटी आश्रम के जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड क्या कहते हैं 300 के आसपास हैं, जिन लोगों को जेई मेन के बाद जेई एडवांस का एग्ज़ाम लिखना है। जो जेई मेन के एग्ज़ाम से दो बातें होती हैं, एक तो बच्चे टॉप एनआईटीज़ में ट्रिपल आईटीज़ में सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिलता है, और जेई एडवांस के लिए जो आईआईटी में एडमिशन्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो 300 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। हमारे कार्तिक बसंत ने ऑल इंडिया रैंक 71 के साथ बड़ौदा में टॉप किया, साथ ही साथ गुजरात में प्रोबेबली अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक हो सकता है, क्योंकि कोई इससे ऊपर मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर कोई हो भी सकता है तो फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड और थर्ड तो गारंटी है। हमारे यहाँ कितने बच्चे पास हुए? हमारे पास 300 से ज़्यादा बच्चे, 300 लोगों का लिस्ट हमें मिल चुका है। अभी बहुत सारे आज एक VIT का एग्ज़ाम है तो बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे आए नहीं, तो जो हमारे पास सूचना है वो 300 के अराउंड बच्चों ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, जो जेई मेन से हर डिफरेंट कैटेगरीज में। मारू नाम के प्रजापति है, मारा JEE मेन्स में 99.72% आया है, एना पर मैंने 4533 रैंक मिली है। મારો પ્લાન છે કે JEE એડવાન્સ આપવાનો અને એમાં સારી રેન્ક લાવવાનો, કેમ કે એનાથી પછી IIT માં એડમિશન મળે, એટલે દિવસના મિનિમમ 8-10 કલાક તો ખરા, એ બી સેલ્ફ સ્ટડી પછી અહીંયા બી આવવાનું હોય, એ લોકો અહીંયાના ટીચર ફેકલ્ટી બહુ જ સારી છે, એ લોકોએ મને બહુ જ હેલ્પ કરી છે, લાઈક 50% મારું હાર્ડવર્ક એ લોકોને હું આપીશ। सुना क्या प्रजापति और एक लड़की बोला।